नमस्कार, मैं प्रिया। आज 27 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में भी स्कूलों को मिलेगा स्वच्छता पुरस्कार। बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के छात्रों को मिलेगी बड़ी सुविधा। पंचायत प्रतिनिधियों की जान जाने के मामले की जांच अब करेगी SIT। बिहार में कोरोना के मिले 20 से ज्यादा मामले। इग्नू जनवरी 2022 एडमिशन की प्रक्रिया हुई शुरू। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में भी स्कूलों को मिलेगा स्वच्छता पुरस्कार। बिहार में पहली बार स्कूलों को स्वच्छता के पैमाने पर आकलन कर पुरस्कृत किया जाना है, जो कि केंद्र सरकार के तर्ज पर होने वाला है। इसको लेकर प्रखंड और जिला स्तर पर 5 मार्च को 10-10 स्कूलों को सम्मानित करने का काम किया जाएगा। चूंकि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाना है, ऐसे में इन चयनित स्कूलों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। हालांकि इस पुरस्कार के लिए BSVP वेब पोर्टल पर आवेदन अपलोड करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक तय की गई है। इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के छात्रों को मिलेगी बड़ी सुविधा। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग की मांग पर भवन निर्माण विभाग बिहार में नए खुल रहे इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राओं के लिए सरकार हॉस्टल भी उपलब्ध करवाने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 44 पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए भी हॉस्टल की व्यवस्था होगी। इसको लेकर विभाग इसमें आने वाले खर्च का आकलन कर रहा है। जैसा कि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान खोलने की तैयारी है। पॉलिटेक्निक संस्थान का विस्तार करते हुए यह सुविधा हर अनुमंडल में भी उपलब्ध कराने को लेकर तैयारी तेज है। ऐसे में विभाग के अभियंता प्रमुख राकेश कुमार ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को कहा है कि वो इसमें होने वाले खर्च की अनुमानित राशि के बारे में रिपोर्ट भेजे। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे शंकर दयाल सिंह की। साहित्यकार और सांसद शंकर दयाल सिंह 2 बार भारत की संसद के लिए चुने गए। वो 5वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक थे, जिसमें उन्होंने बिहार में चतरा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। 1971 में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ते हुए उन्होंने श्रीमती को हराया था, विजयाराजे, रामगढ़ के राजा श्री कामाख्या नारायण सिंह की पत्नी। वो 1990 में बिहार से फिर से उच्च सदन राज्यसभा के लिए चुने गए। डॉक्टर सिंह एक विपुल लेखक और एक लोकप्रिय स्तंभकार थे। उन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें लिखी और कई का संपादन किया। बिहार में कोरोना के मिले 20 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि अब तक यह उतार चढ़ाव 20 के अंदर ही देखने को मिल रहा था, लेकिन अब यह आंकड़े 20 के पार पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 28 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 98 पर पहुंच गई है। वहीं अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो भागलपुर में 1, गया में 9, कटिहार में 3, पटना में 10, पूर्णिया में 1, रोहतास में 1, समस्तीपुर में 1, सिवान में 1 मामले की पुष्टि हुई। इसके अलावा अन्य राज्यों से आए सैंपल में भी 1 मरीज की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बिहार के किसी भी जिले में 1 भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,34,279 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 11 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। ने निकाली SO डोमेन एक्सपर्ट और अन्य पदों पर भर्ती। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। यूनियन बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर और डोमेन एक्सपर्ट की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। बैंक द्वारा 22 दिसंबर 2021 को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार डिजिटल एनालिटिक्स, इकोनॉमिस्ट रिसर्च, API मैनेजमेंट, डिजिटल लैंडिंग एंड फिनटेक टीमों में विभिन्न पदों की कुल 25 रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यूनियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर और डोमेन एक्सपर्ट भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.co.in पर भर्ती सेक्शन में दिए गए लिंक से जा करके एप्लीकेशन पेज पर जा सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे, आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यूनियन बैंक द्वारा विज्ञापित स्पेशलिस्ट ऑफिसर और डोमेन एक्सपर्ट के पद पर संविदा के आधार पर भर्ती की जानी है। पंचायत प्रतिनिधियों की जान जाने के मामले की जांच अब करेगी SIT। बिहार में पंचायत चुनाव का समापन हो गया है, जिसके बाद सभी प्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार था, ताकि वो शपथ लेने के साथ ही गांव की सरकार को संभाले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पंचायत चुनाव में जीते कुछ प्रतिनिधियों ने तो शपथ ग्रहण की, लेकिन कुछ घरों में जीत की खुशी मातम में तब्दील हो गई है, जिसके बाद से ही पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था पंचायती राज विभाग के लिए एक चुनौती बन गई है। यही कारण है कि अब इस मामले में सुनवाई के लिए विशेष जांच दल गठित करने को कहा गया है, जिसके बाद अब मामले की जांच 3 महीने के अंदर पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। जांच पूरी करने के बाद स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। इस बाबत पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SSP और SP को पत्र लिखकर त्वरित कार्रवाई करने को कहा है।
भूमि विवाद निपटारे में गृह विभाग ने जिलों से मांगी रिपोर्ट। गृह विभाग ने भूमि विवाद की साप्ताहिक बैठकों में लापरवाही पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। इसको लेकर विभाग ने उन जिलों से रिपोर्ट तलब की है जहां साप्ताहिक बैठकों की कुल संख्या 50% से भी कम है, जिसका आदेश गृह विभाग की तरफ से आयोजित बैठक में लिया गया। वहीं नोटिस जारी करने वाले जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को इसका कारण स्पष्ट बताने को कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भूमि विवाद के लिए बने पोर्टल पर अभी तक नवंबर की प्रविष्टि न होने पर भी गृह विभाग ने सवाल खड़े किए हैं। यह व्यवस्था सटीक तौर पर काम करे इसके लिए अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है। अंचल पदाधिकारी और थाना प्रभारी को बुलाकर अन्य जिलों का प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्देश भी दिया गया है। 1000 केंद्रों पर हुई दरोगा बहाली की परीक्षा। बीते दिन तय कार्यक्रम के अनुसार बिहार के लगभग 1000 केंद्रों पर दरोगा बहाली की परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा दो पालियों में ली गई। इस परीक्षा में 80,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। सिर्फ पटना की बात करें तो राजधानी पटना में परीक्षा के लिए 57 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी, जिसके बाद काफी जांच पड़ताल भी हुई। उसके बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। वहीं अभिभावकों को परीक्षा केंद्र से कम 500 मीटर की दूरी पर रखा गया था। परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा में दरोगा के 1998 और सार्जेंट के 215 पद हैं। वहीं दरोगा की प्रारंभिक लिखित परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि एग्जाम तो अच्छा गया, हालांकि उन्होंने ये भी उम्मीद की है कि हर बार की तरह इस बार पेपर लीक ना हो। मुजफ्फरपुर के बॉयलर हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देगी सरकार। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के बेला में रविवार की सुबह नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार बेला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 स्थित एक स्नैक्स फैक्ट्री में रविवार की सुबह करीब 8 बजे बॉयलर फट गया, जिसमें लगभग 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर है। आसपास की फैक्ट्रियों के लोगों के भी घायल होने की सूचना मिली है, जिसके बाद से इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। घटनास्थल पर एसपी, डीएम सहित प्रशासन के कई आला अधिकारी खबर लिखे जाने तक जांच पड़ताल में जुटे थे। वहीं इसी बीच सीएम नीतीश ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा राशि के रूप में 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। पिछले कई सालों की अपेक्षा में इस साल दिसंबर महीने में सबसे कम ठंड। दिसंबर का महीना आते ही हड्डी गलाने वाली सर्दी का एहसास आपको बखूबी याद होगा, लेकिन इस साल दिसंबर के महीने में मौसम को देखकर आप भी जरूर ये सोच रहे होंगे कि महीना तो दिसंबर का है तो फिर सर्दी क्यों नहीं है। ऐसे में अब मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अपडेट जारी किया है, जिसके तहत मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गुलाब सिंह ने बताया है कि इस साल दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। इसकी वजह कोई सिस्टम डेवलप नहीं होना है। पिछले साल 5-6 बार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव हुआ था, लेकिन इस बार अभी तक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं दिखा है। हालांकि 27 से 29 दिसंबर के बीच पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिख सकता है, इससे बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं सोमवार से आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। पंचतंत्र में विलीन हुए सिवान के लाल। सिवान के लाल और जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में वीरगति को वो प्राप्त हो गए, जिसके बाद बीते दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें बीते दिन मुठभेड़ में शहीद बीएसएफ के एएसआई शिवजी यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। शहीद जवान बीएसएफ के एएसआई शिवजी यादव का पार्थिव शरीर बीएसएफ के साथी जवानों के द्वारा बीएसएफ की स्पेशल गाड़ी में रविवार की सुबह उनके पैतृक गांव तेलकत्थू लाया गया था। पूरा इलाका अमर शहीद शिवजी यादव अमर रहे के नारे से गूंज उठा। इस दौरान इलाके के हजारों लोगों की भीड़ अपने जाबाज बहादुर सिपाही की एक झलक पाने के लिए जुटी रही। वहीं पार्थिव शरीर के घर पहुंचते उनकी बेटी अपने पिता के शव के साथ लिपटकर रोने लगी। वहीं परिवार में कोहराम मच गया। बियाडा की जमीन को लेकर उद्योग विभाग ने जारी की एमएनएसटी पॉलिसी। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के तहत अगर आपने भी उद्योग लगाने के लिए जमीन लिया है और उद्योग नहीं लगाया है, ना ही आने वाले समय में उद्योग लगाने की सोच रहे हैं, तो जमीन वापस करने के लिए अच्छा अवसर है, क्योंकि इसके लिए आपको आर्थिक भार का वहन नहीं करना होगा। हाल ही में अधिसूचित किए गए एमएनएसटी पॉलिसी के तहत कई प्रावधान किए गए हैं। जमीन वापस करने वाले उद्यमी को 90 दिनों के भीतर उस जमीन पर स्थित सारी परिसंपत्तियों को हटा लेना होगा। ध्यान रहे, जमीन आवंटन के साल भर के भीतर बियाडा को वापस करने वाले उद्यमी को लीज अवधि के अनुपात में 1 साल की राशि काटकर पैसा वापस किया जाएगा। 2 साल के बाद जमीन सरेंडर करने वाले से 20% राशि और 3 साल बाद 15% राशि काट ली जाएगी। लाल ईंट के उपयोग पर रोक। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायतों में इस्तेमाल होने वाली लाल ईंट को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसके तहत सरकार ने पंचायत राज विभाग की तरफ से संचालित निर्माण योजनाओं में लाल ईंट के उपयोग पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। यानी कि अब सभी निर्माण योजनाओं में फ्लाई ऐश ईंट ही काम में लेना होगा। इसको लेकर बीते दिन मंत्री सम्राट चौधरी ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सहयोग कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को बताया कि पर्यावरण सुरक्षा, निर्माण और मजबूती की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। फ्लाई ऐश ईंट से पंचायती राज भवन, सामुदायिक
भवन, नली गली और कुओं के अलावा अन्य निर्माण कराए जाएंगे। इसको लेकर 5 से 10 जनवरी के बीच सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। 5 जनवरी को कुओं का जीर्णोद्धार, 6 को कुओं के पास सोखता निर्माण का शुभारंभ और 7 को कुओं पर चेन पुली, ग्रिल कवर का अधिष्ठापन, चबूतरा और पारापेट का निर्माण करवाया जाएगा। सारण के गौतम स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। गौतम ऋषि का आश्रम सारण जिले के रिवीलगंज नगर क्षेत्र में स्थित है। स्थान की प्राचीन और धार्मिक मान्यता यह है कि जब गौतम ऋषि ने क्रोध में अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देकर पत्थर बना दिया था, तब कई सौ वर्षों बाद भगवान राम ने उनका उद्धार किया था। गौतम स्थान रिवीलगंज में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा और सरयू नदी के संगम स्थल पर हर साल लगने वाला गोदना सिमरिया नहान मेला धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। गौतम ऋषि मंदिर प्रांगण में भगवान श्री राम का पद चिन्ह आज भी मौजूद है, जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले मेले में आए लोगों का दर्शन का केंद्र बिंदु होता है। जनवरी 2022 एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। इग्नू में पढ़ाई की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी ने जनवरी 2022 के एमएससी, एमएसीएस, पीजीसी, एमडीएम, पीजीडी, एमसीएच, पीजीडी, जीएम, पीजीडी, एचएचएम, पीजीडी, एचआईबीएम, डीएनए सहित अन्य विभिन्न पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन शुरू कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट इग्नू iop.samarth.edu.in पर जाकर 31 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि यह कोरोना का माहौल है, ऐसे में ध्यान रहे, सभी कोर्सेज ऑनलाइन मोड में होंगे। इग्नू ने आधिकारिक ट्वीट कर जानकारी दी है और लिखा है कि जनवरी 2022 को नई एडमिशन साइकिल शुरू होगी। जनवरी 2022 के लिए एडमिशन के आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 होगी। वहीं फीस की बात करें तो जनवरी बैच के लिए पहले सेमेस्टर के शुल्क के साथ उम्मीदवारों से ₹200 का एक नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस भी लिया जाएगा। जदयू के संगठन में होगा नए साल में बदलाव। नए साल में जदयू के संगठन में बदलाव किया जाएगा। कारण साफ है कि जदयू को और अधिक मजबूत बनाने में पार्टी जुट गई है। इसको लेकर बीते दिन उमेश कुशवाहा की अध्यक्षता में जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक हुई। इस अवसर पर पार्टी के कई वरीय नेता भी मौजूद रहे। बैठक के बाद उमेश कुशवाहा ने कहा कि संगठन की मजबूती के साथ कई अन्य मुद्दों पर विमर्श हुआ। साथ ही इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जिला अध्यक्षों और प्रभारियों से कहा गया है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों को गांव-गांव में पहुंचाए, गांव के स्तर पर पार्टी को मजबूत करें। उन्होंने यह भी कहा कि जदयू के संगठन में भी बदलाव होगा, लेवल की कमेटियां बनाई जाएंगी। साथ ही आयोजित इस बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। शिवानंद तिवारी ने कही धमकी मिलने की बात। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने धमकी मिलने की बात कही है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि उनको मोबाइल पर अनजान नंबर से धमकी दी गई है। साथ ही ये भी कहा कि उनको यह धमकी तब मिली जब अखबारों में छपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में एकता और सामंजस्य कायम रखने की अपील पर उन्होंने टिप्पणी की थी। उनके मोबाइल पर एक अपरिचित नंबर से फोन आया था। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, उधर से बहुत अभद्र ढंग से बात की गई और कई अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। शिवानंद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपील की है कि हर हालत में देश में एकता और सामंजस्य कायम रखना चाहिए। देश के प्रति निष्ठा और समर्पण का भाव रखने वाला हर व्यक्ति से सहमत होगा। अभी हरिद्वार में हुए तथाकथित धर्म संसद में नफरत और घृणा फैलाने की आड़ में मुझे भी नफरत के जाल में फंसाया गया है। मुजफ्फरपुर बॉयलर हादसे पर प्रधानमंत्री ने जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर बॉयलर हादसे को लेकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है, जिसके तहत उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि बिहार के मुजफ्फरपुर की एक फैक्ट्री में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। मैं जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार की तरफ से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने हादसे में घायलों का समुचित इलाज कराने का निर्देश दिया, साथ ही उनके जल्द ही स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना भी की है। आसपास आराम आएंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाज सुधार अभियान पर लगे हैं, जिसके तहत वो अलग अलग जिलों में घूम घूम कर समाज सुधार अभियान चला रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम नीतीश सासाराम आने वाले हैं, जहां वो शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज निषेध, जल जीवन हरियाली के प्रति लोगों में चेतना पैदा करेंगे। सीएम के तय कार्यक्रम की प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। सभा स्थल सज धज कर तैयार हो गया है। जिले में जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री 11 बजे न्यू स्टेडियम फजलगंज में सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 1 बजे समाहरणालय स्थित DRDA सभागार में समीक्षा बैठक में शामिल होंगे, जहां वो जीविका दीदियों को संबोधित करेंगे। चुनाव के बाद अब चाचा पशुपति पारस बने भाजपा के हनुमान।
बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान अपने आप को भाजपा का हनुमान बताने से थक नहीं रहे थे, क्योंकि वो भले ही बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ हो लेकिन केंद्र में वो भाजपा के साथ है, क्योंकि बार बार वो खुद को भाजपा का हितैषी बता रहे थे। वहीं अब चाचा पशुपति पारस भी भाजपा के हनुमान बन गया है, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यूपी में भाजपा की कमान अब पशुपति पारस थामने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार हनुमान बनकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस उत्तर प्रदेश में भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। इस बात की पुष्टि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने की है। प्रवक्ता के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोजपा की स्थिति मजबूत है। पूरे राज्य में पार्टी को चार भागों में रखा गया है। इसके लिए वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चार प्रभारी भी बना रखे हैं। मांझी के ब्राह्मण भोज में बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी का इंतजाम। मांझी इन दिनों अपने बयान के कारण लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने पंडितों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया, वहीं अब वो ब्राह्मण भोज का आयोजन करने जा रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी 27 दिसंबर यानी कि आज ब्राह्मण दलित एकता भोज का आयोजन कर रहे हैं। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इस भोजन का आयोजन जीतन राम मांझी के पटना स्थित आवास पर किया जाएगा। इसको लेकर मांझी के आवास पर होने जा रहे इस भोज के लिए बेतिया के चनपटिया से खुशबूदार चूड़ा मंगवाया गया है, साथ ही दही की व्यवस्था भी की गई है। गुड़ और भूरा की व्यवस्था भी रहेगी। सबसे खास बात यह है कि भोज में गोभी आलू मटर की बिना प्याज और लहसुन वाली सब्जी बनेगी। हम पार्टी के प्रवक्ता अमरेंद्र त्रिपाठी ने बताया है कि भोज में सात्विक ब्राह्मण आएंगे, ऐसे में बिना प्याज लहसुन वाला भोज तैयार किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने साइकिल यात्रा को दिखाई हरी झंडी। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन सरकार के नाक के नीचे शराब का खेल किस हद तक हुआ है, इसका प्रमाण हाल ही के दिनों में देखने को मिला है, जिसके बाद से ही बिहार सरकार बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने की कोशिश में लग गई है। इसको लेकर ही जहां एक तरफ सीएम नीतीश समाज सुधार अभियान पर निकले हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिन शराबबंदी कानून पर लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। उपेंद्र कुशवाहा ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पूरी सरकार मेहनत कर रही है। ऐसे में अब जनता को भी जागरूक होना होगा, ताकि समाज से शराब को जड़ से खत्म किया जा सके। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। कलकत्ता में 1861 में पहली बार चाय की सार्वजनिक बोली संपन्न हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला मानव मिशन अपोलो 8 1968 में प्रशांत महासागर में उतरा। भारत पाक युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस सक्रिय लश्कर ए तैयबा ने 2001 में अब्दुल वाहिद कश्मीरी को अपना नया प्रमुख नियुक्त किया। भारत ने 2004 में तीसरे और अंतिम वनडे में बांग्लादेश को हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का जन्म 1965 में आज के दिन हुआ था। भारत के राजनेता और हिंदी साहित्यकार शंकर दयाल सिंह का जन्म 1937 में आज के दिन हुआ था। त्रावणकोर केरल के महाराजा तथा दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत परंपरा के सर्वोत्कृष्ट संगीतज्ञों में से एक स्वाति तिरुनल का निधन 1846 में आज के दिन हुआ था। व्हाट्सएप पर अगले साल आएंगे ये खास फीचर्स। कंपनी अपने कई सारे फीचर्स पर काम कर रही है, जिन्हें नए साल में रोल आउट किया जा सकता है, जिसके तहत व्हाट्सएप अपने चैटिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अगले साल से प्लेटफॉर्म पर कस्टम वॉलपेपर और चैट थीम जोड़ने वाली है। व्हाट्सएप भी अपने यूजर को ऑटो डिलीट अकाउंट फीचर का सपोर्ट देने की तैयारी कर रही है, जिसे 2022 में जारी किया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि डिलीट मैसेज को नए साल में अपडेट किया जाएगा। अब तक सामने आई मीडिया रिपोर्ट की माने तो व्हाट्सएप यूजर को प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम रील का टैब भी मिल सकता है। बिहार में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए दवाई के आवंटन को लेकर जारी हुआ आदेश। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। जब ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर सरकार काम में जुट गई है, तो वहीं अब बिहार में ब्लैक फंगस मरीजों के इलाज में भी तेजी लाई गई है। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति ने पोसा कोनाजोल दवा के आवंटन को लेकर पत्र जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कई अस्पतालों में अभी ब्लैक फंगस के मरीज इलाजरत हैं। उनके इलाज के लिए पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को 1100, पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को 870, पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 350 और भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 200 टैबलेट दिए जा रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है पंकज कुमार दास, अनुष्का मेहता, पंकज कुमार, मनोज कुमार, कुंदन साजवान, रोहित कुमार, दिव्यांशु कुमारी, आदर्श कुमार, मनोज कुमार, प्रिंस राज ऑफिशियल, सागर कुमार, मोहम्मद अरबाज, राजीव कुमार चौधरी, दीपक कुमार, जितेंद्र रविदास, प्रवीण कुमार, अनिल यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत बनाम
साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज में मौजूदा स्थिति को देखते हुए किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।